बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा सफर है हैदराबाद की तरफ, क्योंकि कल 27 जनवरी को इंशाल्लाह हैदराबाद मुस्तफा ग्राउंड और इंशाल्लाह मेंबर सोसाइटी के अंदर दूसरा क्वार्टर फाइनल जहनी आजमाई सीजन 12 का होगा। मदनी चैनल देखते रहिए, दुआ भी करें अल्लाह ताला सफर बखैर शौक में घर से मैं हूँ चला। सीखना इल्म दी है ये मकसद मेरा। दूर गए मंजिले भाई है और ये तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह, सामान उठा रहे हैं शेजोर में रखने के लिए। ये देखें थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर भी है और इस कोस्टर के ज़रिए से इंशाल्लाह सफ़र होगा हैदराबाद तक का और आगे तक का। दुआ करिएगा अल्लाह सफ़र आसान फरमाए। और ये हमारी एक शेजोर गाड़ी है, इस पर इंशाल्लाह जो सामान है सेट का है दीगर चीज़ें हैं तो वो सारा सामान इस शेजोर गाड़ी के अंदर होगा। ये आप देख सकते हैं, दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सफ़र बखैर व आफियत फरमाए। अभी सामान इसमें रख रहे हैं, सामान रखा जा रहा है गाड़ी में और तैयारियां जा रही हैं यहाँ से रवाना होने की। कराची से रवाना होंगे हैदराबाद की तरफ आज। अपने उस्ताद का जामा मस्जिद मरियम मेमन सोसाइटी हैदराबाद में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज की अदायगी से फारिग हुए हैं, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए अब आपको मंच के बाहर हदीस में है, इल्म दो हैं, जो इल्म दिल में है वो इल्म नाफे है और जो जबान पर है ये इब्ने आदम पर। अभी हम मौजूद हैं मुस्तफा ग्राउंड मेमन सोसाइटी हैदराबाद के अंदर। आज रात को 9:45 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर लाइव यहाँ से होगा जैनी आजमाई सीजन 12 का दूसरा क्वार्टर फाइनल। देखते रहिए मदनी चैनल। डायरेक्टर जवाब साहब है, मोबाइल को बिल्कुल ही नीचे करके ही सुनते हैं भाई। ये कान पे क्यों लगाते मोबाइल को आप? अल्लाह क्या बात है आपकी माशाल्लाह। ये हमारे अली तुराबी भाई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा हमारे टीम का हिस्सा हैं माशाल्लाह। ये सेट आप देख रहे हैं, तैयारियां अब तक जारी हैं और रात को इंशाल्लाह लाइव यहां से होगा। इब्ने अब्बास को जो मिली थी दुआ, या खुदा इल्म दे इनको कुरान का। सदका उस इल्म का हमको भी हो अता, इल्म कुरान से कल्ब पाए जिला। इब्ने उमर रदी अल्लाहु तआला नुमा से रिवायत है, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस दिल में हिकमत ना हो वो वीरान घर के मिसल है। बस सीखो और सिखाओ और समझ पैदा करो और मत मरो जहालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला जहालत का उज्र कबूल नहीं फरमाता है। रास्ता इब्ने उमर ने लिया इल्म का, एक कौले नबी यूं रिवायत किया। दिल बिना हिकमत है घर जैसे वीरा पड़ा। इल्म सीखो सुनो जाहिल मत मरना। हैदराबाद का ये सिलसिला ये प्रोग्राम बड़ा ही शानदार जानदार हुआ। पब्लिक ठीक ठाक थी, आवाम का जोश व जज्बा बड़ा ही नज़र आया, जिम्मेदारान की मेहनत नज़र आई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही शानदार ये सिलसिला हुआ। आपने मदनी चैनल पर इसको इंजॉय भी किया होगा, लेकिन अभी जो ये मनाजिर हैं ये जो है ना ये अपना इसको ख़त्म किया जा रहा है, सामान समेटा जा रहा है। हर इस्लामी भाई अपने अपने काम में जो है वो मसरूफ़ है। आइए कुछ आपको वाइंड अप के मनाजिर भी दिखाते हैं।
हाँ, एक और बात मैं अर्ज करता चलूँ, अब हम यहाँ से रवाना होंगे सक्कर के लिए, और सक्कर में भी आपने हमारे साथ रहना है, मदनी चैनल पर रहना है। जो सक्कर में आ सके तो सक्कर में ज़रूर तशरीफ लाएं। सक्कर में इंशाल्लाह 29 जनवरी को आर्ट कौंसल हॉल के अंदर इंशाल्लाह तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा गुजरांवाला और लाहौर के दरमियान। अब देखते हैं कि वहाँ की टीम कौन सी आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। तो सक्कर में ज़रूर आप तशरीफ लाएँ, मदनी चैनल देखते रहें। या अल्लाह, मुझे अपनी पसंद का इल्म अता फरमा। हाफिज़ा मुझको तू कर दे अच्छा अता, जो पढ़ूं याद हो वो सबक दीन का। मैं रहूं बाअदब अपने उस्ताज का, मैं भी रोशन करूं इल्म की एक शमा। हदीस में है, इल्म दो हैं, जो इल्म दिल में है वो इल्म नाफे है, और जो जबान पर है ये इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है। सीख लूं इल्म वो जिसमें तेरी रिजा, फर्ज़ वाजिब सुनन मुस्तहबात का। दिल मेरा नूर हो ऐसा कर देता, इल्म का नूर फिर हो चमक हर जगह। बास को जो मिली थी दुआ, या खुदा इल्म दे इनको कुरान का। सदका उस इल्म का हमको भी हो अता, इल्म कुरान से कल्ब पाए जिला। नुमा सिरे।